इन दिस लेक्चर हम चेक कर रहे हैं थ्योरम वन मल्टीवेरिएट नॉर्मल का अब थ्योरम वन बेसिकली हमारे पास क्या है हमने इसे चेक करना है इफ़ एक्स इज अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा वेरिएंस को वेरियंस मेट्रिक सिग्मा वेयर सिग्मा इज अ पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मेट्रिक्स देन जी अब ये जी हमारे पास क्या विच इज़ इक्वल्स टू वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू हमने इसमें क्या किया बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड किया है अपने ओरिजिनल वेरिएबल को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम ओरिजिनल वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल आपके पास क्या था बेसिकली हमारे पास पी में क्या है एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सेगमाइनवर्स एक्स माइनस म्यू अब यहाँ हमने क्या किया है कि हाफ इस साइड सिग्मा इनवर्स और हाफ हमारे पास यहाँ पे तो हमने लेट किया हुआ है ये पोर्शन जी ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हैं हम ओरिजिनल वेरिएबल को न्यू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप देखो जब हमने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसका क्या रिजल्ट आता है जैसे रुपीस को हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हैं तो इस टाइप पे अगर हमारे किसी वेरिएबल को ओरिजिनल वेरिएबल को ट्रांसफॉर्मेशन करने लगे करने हो तो फिर क्या इफेक्ट आ रहा है मल्टीवेरिएट नॉर्मल में हम उसे चेक करते हैं X की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मल्टीवेरिएट नॉर्मल है ठीक है तो जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो हम यहां देख रहे हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज मल्टीवेरिएट नॉर्मल विद मीन वैक्टर जीरो एंड वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक ये कब होता है जब हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल हो ऑल्सो ईच कंपोनेंट ऑफ जी इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर यानी z फॉलो द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ईच कंपोनेंट ऑफ z फॉलोज द यूनिवेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो z हमारा किसको फॉलो कर रहा है मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वी हैव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ मल्टीवेरियट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द प्रोबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन उससे हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं दिस इज दी ट्रांसफॉर्मेशन अब जुकोबियन जुकोबियन हमने कैसे निकालना है तो जुकोबियन फर्दर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जब हम इसे अप्लाई कर रहे हैं इसका जुकोबियन फाइंड करना है तो उसका रिजल्ट आ रहा है सिग्मा माइनस वन बाई टू यानी वेरियंस को वेरियंस डिटर्मिनेंट ऑफ वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स पावर माइनस वन बाई टू सो दिस इज दी एक्स माइनस म्यू ये आपके पास ये टर्म आ गई ठीक है एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू किसके इक्वल हो गया जी ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स जी सिग्मा माइनस वन सिग्मा माइनस वन बाई टू जी कि जब हम वैल्यूज उसमें एंटर हैं ये सारी वैल्यूज बेसिकली यहाँ से कैसे आ रहा है आपके पास जी की वैल्यू आपने एक्स माइनस म्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये फैक्टर इधर चला जाएगा ठीक है तो x माइनस म्यू की वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेगमा वन बाई टू तो ये आ गया आपके पास z ट्रांसपोज सेगमा वन बाई टू ये सेगमा इनवर्स एज इट इज़ है x माइनस म्यू इसकी वैल्यू हमने देख ली x माइनस म्यू तो सेगमा हाफ इंटू जी तो यहाँ से आपने बेसिकली z की वैल्यू निकाली है वो x माइनस म्यू की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे तो सेगमा माइनस वन सिग्मा हाफ सिग्मा हाफ सिग्मा हाफ सिग्मा हाफ वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स हाफ और हाफ वन हो गया माइनस वन तो ये फैक्टर आपके पास एलिमिनेट, इसका आंसर हो गया सो हेयर जी हमारे पास रिजल्ट आ गया है इस का अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सो एफ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स जो है वो अब एफ ऑफ जी है एफ ऑफ जी विच इज इक्वल्स टू टू पाए पी बाय टू सिग्मा माइनस वन बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी प्राइम जी और जब हम इसका इसके साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं मॉड ऑफ जी एज इट इज आ गया अब फर्दर एफ ऑफ जी विच इज इक्वल्स टू दिस वन ये कैसे हो गया इसका आंसर इसको हमने कैंसल आउट कर दिया इसके साथ तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया ये आंसर

multivariate with mean मीन 0 जीरो एंड covariance matrix identity further f of एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी की हमने वैल्यू अभी फाइंड की है वो आ रहा है। अब आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लिख लेंगे जी आई स्क्र में और जी आई में अब फर्दर हमारे पास इसको कैपिटल पाए इसकी वैल्यू क्या हो गई वन बाई हो गई क्योंकि पी टर्म्स इधर हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस सो ईच कंपोनेंट ऑफ जी इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर तो हमने क्या किया इसमें एक्स क्या फॉलो रहा था मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो so जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है विच इज़ आल्सो फॉलोस द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर x फॉलो कर रहा है यूनिवेरिएट को तो जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो वेरिएबल भी फॉलो करेगा यूनिवेरिएट को इफ़ x फॉलोज द मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म वेरिएबल इज ऑल्सो फॉलोज द मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास ईच ऑफ एग्जो फॉलो दॉर्मल मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ईच ऑफ एग्स फॉलोज दर्मल वेरिएट डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली फ्राम ईच अदर